नमस्कार, न्यूज 1:11 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बिहार में इस बार मैट्रिक की परीक्षा कदाचार मुक्त करवाने के लिए कड़ा निर्देश जारी किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि इस बार माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2020 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी, जिसमें इस बार परीक्षा में कुल 15,29,393 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस बार भी परीक्षार्थियों को केंद्र में जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है। किसी तरह की मोबाइल या गैजेट लेकर परीक्षा भवन में जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल दंडाधिकारी के अलावा कोई पदाधिकारी किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुनिए क्या कुछ तमाम नियम हैं जो कि बीएसईबी परीक्षा के समय लागू किए गए हैं। समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 का आयोजन राज्य के 1368 परीक्षा केंद्रों में सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है, जिसमें पूरे राज्य में कुल 15,29,393 अभ्यर्थियों ने सम्मिलित होने के लिए फॉर्म भरा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या इस मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 15,29,393 है। इनमें से 7,83,034 छात्राएं होंगी और 7,46,359 छात्रों की संख्या है, अर्थात छात्रों की संख्या से ज्यादा है। और निश्चित रूप से यह राज्य सरकार द्वारा जो महिलाओं और छात्राओं की परीक्षा की शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कई सारे कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, उनका यह परिणाम है कि छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक है। पटना जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 69,175 छात्र छात्राओं के सम्मिलित होने हेतु फॉर्म भरा गया है। इनमें से पटना जिले में 36,890 छात्राएं शामिल हैं और 32,285 छात्र सम्मिलित हैं, अर्थात पटना जिले में जो छात्राओं और छात्र का अनुपात है, यह बिहार की तुलना में अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक है। और यहाँ पर रिलेटिवली रेशियो वाइज छात्राओं की संख्या पटना जिले में अधिक है। इस पूरे परीक्षा व्यवस्था को सफल और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस बलों की और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जिलों में सभी परीक्षा केंद्रों को अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हुए जोनल मैजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और उसके अलावा सभी केंद्रों पर स्टैटिक मैजिस्ट्रेट्स और कुछ केंद्रों को मिलाकर पेट्रोलिंग मैजिस्ट्रेट्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड्स भी अलग अलग जिलों में कार्यरत रहेंगे। ये सारी व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर नियमित रूप से पदाधिकारियों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा गश्ती की जा सके और औचक निरीक्षण समय समय पर प्रत्येक केंद्र का होता रहे। इसके साथ ही पूरे सभी विषयों में विद्यार्थियों के लिए 10 सेट क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं और जो भी विद्यार्थी किसी भी विषय में परीक्षा देंगे उन्हें 10 सेट क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे ए से लेकर जे तक, ताकि विद्यार्थियों के बीच किसी भी प्रकार की आपस में कदाचार की संभावना को इसमें समाप्त किया जा सके। कदाचार और वायरल की भी संभावना, जो कुछ लोग वायरल करने का प्रयास करते हैं, उसको भी संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके, इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी प्रश्न पत्रों के 10 सेट्स तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों की चेकिंग 2 स्तर पर सभी परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। एक बार परीक्षा केंद्र पर घुसने के पूर्व फ्रिस्किंग की जाएगी और दूसरी बार परीक्षा केंद्रों के अंदर जब विद्यार्थी अपने अपने सीट पर बैठेंगे उस समय परीक्षा में संलग्न वीक्षकों द्वारा पुनः उनकी जांच की जाएगी। वीक्षकों की संख्या इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि लगभग प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक सम्मिलित होंगे और उन वीक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जो उनके प्रभार के 25 विद्यार्थी होंगे उनकी वो समुचित जाँच करते हुए उन पर वो परीक्षा हेतु सतत निगरानी और पर्यवेक्षण बनाए रखें, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कदाचार की संभावना को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके साथ साथ
सभी 1368 परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द धारा 144 लागू कर दिया गया है, जो परीक्षा अवधि के दौरान लागू रहेगा। और इस दौरान, परीक्षा अवधि के दौरान, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति अर्थात अनऑथराइज पर्सन का प्रवेश पूरी तरह परीक्षा केंद्रों पर वर्जित रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV की भी व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त वीडियोग्राफर की भी व्यवस्था पर्याप्त संख्या में की गई है। प्रत्येक 500 विद्यार्थी पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है और बाहरी परिसर में भी नज़र रखने के लिए समिति द्वारा वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। केंद्राधीक्षक के अलावा और कोई भी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी या टीचर्स या परीक्षा में सम्मिलित कोई भी कर्मी मोबाइल या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं ले जा सकेंगे। इनके प्रवेश पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है कि विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से निर्देश निर्गत किए गए हैं कि सभी विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पूर्व न्यूनतम परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य है। इंटर की परीक्षा में ऐसा देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों ने कतिपय कारणों से इसका अनुपालन जो नहीं कर पाए, जिन्होंने अनुपालन नहीं किया, वे या तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके या उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः सभी विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि निर्धारित समय से काफी पूर्व, कम से कम आप आधे घंटे पूर्व, आप परीक्षा केंद्रों पर जरूर पहुंचने की आप कोशिश करें। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए देखते रहे News 1/11। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।